अभिनेत्रियों को भी अपनी खूबसूरती में और अभिनय में मात देने में कभी पीछे नहीं रहती हैं। इस जमाने से लेके गुजरे जमाने तक कभी भी ये अभिनेत्रियों से पीछे नहीं रही। आज मैं एक ऐसी ही कलाकार की बात कर रही हूँ जो बॉलीवुड में आने से पहले लोगों के घरों में काम करती थी। जब बॉलीवुड में आई तो एक अभिनेत्री के रूप में आई, पहचान मिली एक विलेन के रूप में, और जब सिनेमा को अलविदा कहा तो एक दादी के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की एक जानी मानी सितारा शशिकला के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या और आज मैं बात कर रही हूँ अभिनेत्री विलेन शशिकला। महज 5 साल की उम्र से ही शशिकला ने डांस करना शुरू कर दिया था। वह जगह जगह डांस परफॉर्मेंस देती थी और इसके लिए उन्हें जब की वाहवाही भी मिलती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीमे धीमे सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि अचानक बुरे दौर शुरू हुए। पारिवारिक कलह ने एक मोड़ लिया। उनके पिता ने अपने छोटे भाई भी पूरा दांव खेल के विदेश भेजा। वह चाहती थी उनका भाई विदेश जाए और वापस आने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी वह निभाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि जब वह विदेश से वापस आए तो उन्होंने शशिकला के पिता की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। ऐसे में शशिकला के पिता पूरी तरह से टूट गए। वह अपनी बेटी और परिवार को लेकर मुंबई की तरफ रवाना हो गए। ऐसे में उनको लग रहा था एक मुंबई ही है जो सपनों की नगरी उनके सपनों को पूरा करेगी। नौकरी की तलाश में और परिवार के पालन पोषण के लिए वह मुंबई पहुंच गए। लेकिन यहाँ भी उनको कुछ खास मुकाम हासिल नहीं हो पाया। ऐसे में परेशान होकर शशिकला ने लोगों के घरों में काम करने का सोचा और वह लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोछा आदि करने लगी। ऐसे ही दिन चल रहे थे कि शशिकला की किस्मत ने पलटा खाया। दरअसल शशिकला पे नजर पड़ी उस जमाने की प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री नूरजहां की। जी हाँ, वही नूरजहां जो बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री और गायिका थी। जब नूरजहां ने पहली बार शशिकला को देखा तो उन्होंने अपने पति शौकत अली से कहा कि यही वो लड़की है जो उनके बचपन का रोल उनकी फिल्म में करेगी। फिर क्या था, शशिकला को उस फिल्म के लिए शौकत अली ने एक ऑफर दिया। शशिकला इसका ही तो इंतजार कर रही थी। वो कहीं ना कहीं मुंबई इसीलिए आई थी और यही उन्हें पहली फिल्म 1945 में आई जीनत मिली। इस फिल्म के लिए शशिकला को उस वक्त 25 रुपए की फीस मिली थी। शशिकला के अभिनय को और उनकी खूबसूरती को देख के शौकत साहब ने उनसे कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा शशि तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। और ऐसा हुआ भी था। भले ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद नूरजहां अपने पति के साथ पाकिस्तान चली गई हो, लेकिन शशिकला का दौर नहीं थमा। शायद उनकी किस्मत को कुछ और भी मंजूर था। एक नई पहचान मिलनी बाकी थी। अभिनेत्री से विलेन वाली छवि अभी उनको मिलना बाकी थी। कई ऐसी फिल्में आई जिनमें उन्होंने एज ए विलेन, एज ए नकारात्मक अभिनेत्री के तौर पे काम किया और अपनी गहरी छाप उन्होंने फैंस के बीच में छोड़ी जो आज तक याद की जाती है। इन्हीं में से फिल्म फिर वो रात है में उनके सास का किरदार एक नकारात्मक सास के रूप में आज तक सबसे ज्यादा याद किया जाता है। शशिकला ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया जिसमें अनुपमा, 3 बहुरानियां और वक्त जैसी फिल्में आज भी फैंस के दिलों में राज करती हैं। वहीं अगर मैं उनकी निजी जिंदगी की बात करूं तो ये थोड़ी सी उथल पुथल भरी रही। शशिकला ने लव मैरिज की थी। उन्होंने ओम प्रकाश सहगल से शादी की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। भले ही उन दोनों की 2 बेटियां हुई हों, लेकिन किसी कारणों से दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद शशिकला सब कुछ छोड़ के विदेश चली गई। विदेश से वापस आने के बाद उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे में वह कोलकाता गई और मदर टेरेसा के साथ 9 साल तक एक साथ रही। 9 साल तक मदर टेरेसा के साथ रहने के बाद उन्होंने एक बार फिर से बॉलीवुड की तरफ रुख किया और कहते हैं इस बार उन्होंने फिल्म बादशाह के साथ बॉलीवुड में कम बैक किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसमें मुझसे शादी करोगी फिल्म अहम मानी जाती है। इस तरह से उन्होंने छोटे पर्दे पे भी काम किया जिसमें सोनपरी जैसा सीरियल काफी प्रसिद्ध रहा।
शशिकला ने अपने टाइम पे एक से एक बड़े स्टार के साथ काम किया था और इसका ही रूप था कि उन्हें कई बार बड़े से बड़े पुरस्कार से नवाजा भी गया था। गुमराह जैसी फिल्म के लिए उन्हें सह अभिनेत्री के फिल्म फेयर से भी नवाजा गया था। शशिकला एक ऐसी स्टार है जो भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी अभिनय की छाप जिस तरह से उन्होंने छोड़ी है वो फैंस के बीच हमेशा जिंदा रहेंगी। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक देखते रहिए लोकमत न्यूज़ स्टार्टिंग।